दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, कृपया इसका गलत प्रयोग ना करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कठपत्ता कैसे जीते और अंदर बाहर में कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो अंदर बाहर में जीतने का सुपर ट्रिक और ज़बरदस्त ट्रिक मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज का जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो टॉपिक पे बताऊंगा, आप लोग से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से सीख समझ जाएंगे और मालामाल हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको ट्रिक बताते हैं, और ध्यान से देखिएगा किस तरह वो पत्ती अंदर आएगी और किस तरह बाहर जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ताश की गड्डी दोस्तों, इसमें कुछ जोकर की पत्तियां, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं तीन जोकर की पत्तियां हैं, मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने अच्छे सफल कर दिया। ठीक है, फर्रे भी मार के रख दिया हूँ दोस्तों। ये नॉर्मल कार्ड है, कोई मार्क वाला कार्ड नहीं है, मार्केट का कोई भी कार्ड रहेगा, आप ये ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। तो ये छोटा सा आप ट्रिक पहले देखिए, कहीं से भी बंदा ऐसे कट कर देगा यहाँ से, कहीं से भी। ठीक है, अब ये पंजे है। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 100% यानी 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पत्ती अंदर ही आएगी। पंजे की जो पत्ती है दोस्तों, 100% अंदर आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो देख के आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, और ऐसा ट्रिक आप यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं, जो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वाह सुपर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पंजे की पत्ती अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि अंदर बाहर में जीतने का क्या ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग पहले इस ट्रिक को समझिएगा, सीखिएगा, पहले इस डेमो को समझ लीजिए कि मैंने 100% कहा तो ये पत्ती अंदर चली आई, तो अंदर आ गई। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ कि अगर जो आपका कठपत्ता खेल रहा है तो उसमें आप कैसे विन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये ताश की गड्डी है। ठीक है, अगर जो हम कठपत्ता खेल रहे हैं या फिर अंदर बाहर खेल रहे हैं तो किस तरह उसमें आप जीत सकते हैं, वो भी आप इस ट्रिक में, इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ भी ठीक या समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको करके रख दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको ये कठपत्ता का ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कठपत्ता का ट्रिक मैं किस तरह बता रहा हूँ आपको और किस तरह जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये कठपत्ता हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप उसको सफल करके रख दीजिए। ठीक है, और ऐसे टच कर लीजिए, फिर कठपत्ता में क्या होता है, हम पत्ती नहीं निकालते हैं, ऐसे सीधा पलट के रख देते हैं। ठीक है, तो दुखी की पत्ती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 100% पत्ती अंदर ही आएगी, 100%। ठीक है, देख लीजिए, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 100% पत्ती अंदर ही आएगी। तो इसमें नहीं निकला, अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि दुग्गी की पत्ती किधर जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों 100% दुग्गी की पत्ती अंदर आएगी, तो अंदर आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।